गाजा में इसराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीने से जंग चल रही है, जहां दोनों ही पक्ष पीछे न हटते हुए लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसके चलते रणभूमि बन चुका गाजा बिल्कुल तबाह हो गया है। हमास लड़ाके खंडर बन चुके गाजा का इस्तेमाल कर इसराइल पर हमलावर है। दोनों के बीच की तनातनी से हालात गंभीर हो चुके हैं, जहां दोनों ही खेमों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं इसराइल को अपने बंधकों की रिहाई का भी खासा दबाव सहन करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सीज फायर की उम्मीद ने एक बार फिर उम्मीदों को बढ़ा दिया है, तो वहीं इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सरकार के खिलाफ जल्द कदम उठाने की मांग करते हुए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बंधकों को लेकर अनसुलझी डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नेतन्याहू सरकार पर पहले से ही खासा दबाव है। इस दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा अल्टीमेटम देकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके तहत अगले हफ्ते दर्जनों रैलियां शुरू कर विरोध प्रदर्शनों और कार्यक्रमों को तेज धार देने की बात सामने आई है। गाजा में सीज फायर की बढ़ती उम्मीदों और हमास की ओर से ढिलाई बरतने के बीच इसराइल के शहर यरूशलम में हजारों लोगों ने बंधकों की रिहाई के सवाल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसराइली सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता करने की भी मांग कर डाली। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इसराइली सैन्य अभियान का भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों में खासा डर भी देखा गया कि इसराइल गाजा में सैन्य अभियान जारी रखता है तो युद्ध लंबा खींचेगा, ऐसे में ज्यादा इसराइली बंधक मारे जाएंगे। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार से इस्तीफा भी मांगा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों को छुड़ाने और देश को चलाने में पूरी तरह से फेल रही है। ऐसे में नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देकर देश में चुनाव कराना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कहा कि हम ऐसे प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते जो भ्रष्ट हैं। खास बात है कि ये प्रदर्शन ऐसे समय हुए हैं जब बंधकों की रिहाई और गाजा सीज फायर के लिए इसराइल और हमास ने समझौते के लिए एक सुर मिलाया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है, जबकि 41 बंधकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके कैद में करीब 116 इजरायली नागरिक हैं। उन्हीं के परिजन इन प्रदर्शनों में शामिल हैं। वहीं सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सरकार के बड़े मंत्रियों और उनके घरों के बाहर भी प्रदर्शन किया। इनमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, नेसेट स्पीकर और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा रविवार को बंद का भी आह्वान किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे मुख्य हाईवे को बाधित करेंगे। देश भर में रैलियां आयोजित होंगी, जिसका समापन तेल अवीव में क्रिया सैन्य मुख्यालय के बाहर एक बड़े प्रदर्शन के रूप में होगा। बताया जा रहा है कि इसराइल की कुछ प्रमुख कंपनियां अपने कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए समय देंगी। ऐसे में साफ है कि युद्ध में फंसे नेतन्याहू और उनकी सरकार को अब चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।